final. Pakistan hasil karne ke liye humne bahut qurbani ki hai magar hame Pakistan ko qaim rakhne ke liye abhi aur qurbani karna hogi. Musliman musibat mein ghabraya nahi karta. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अजद अब्बास, आप देख रहे हैं अजद एक्स अशद यूट्यूब चैनल। तो आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। आप सबको पता है घर पे बैठ के रात 12 बजते ही स्टेटस तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन बाहर निकल के देखना कि वाकई लोग मना रहे हैं या नहीं, मतलब वाकई लोग आज़ाद हैं या नहीं, या फिर सिर्फ हम स्टेटस की हद तक लिखते हैं आज़ादी मुबारक वगैरह। तो आज छोटी सी हमने काविश की है, तो हम चलते हैं देखते हैं गरीबों को, देखते हैं कि वो कैसे बनाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे, क्या वो ही वाकई में वो लोग आज़ाद हैं। तो हम उनके साथ जाके सेलिब्रेट करेंगे, अगर उनके पास फ्लैग्स वगैरह नहीं है तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी जितनी हो सका हम उनको फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट करें और बहुत अच्छे से आज़ादी बना सकेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ वासी अहमद के साथ, अरशद अब्बास, इत्याज रजा। मैं काला आ रहा हूँ। अच्छा, गोरे हो गए अभी फेयर एंड लवली से। अच्छा, अभी अभी हम जा रहे हैं बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने, तो अब देखते हैं कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आज़ादी सच में आज़ाद नहीं हैं, और चलते हैं उनके साथ आज़ादी मनाते हैं। ये आज 14 अगस्त की तरफ से हमें आपको ये देखें, ये दिल होता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे फ्लैग्स थे, तो ये बच्चा आया हमारे पास और कहने लगा ये कितने के भाई। अच्छा, जो भी हम जोड़ा के दिखा दूँगा। हाँ, ये छो था वोटो कहाँ का थे तेरा ना, माना ये घर का थे पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान आज़ाद, जोर से तो आज़ादी मुबारक, आज़ादी मुबारक पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ाद माना कहाँ के लगे तो आज पाकिस्तान आज़ाद। बस इंसान आप मेहनत करे तो खाए पिए तो माना छुट्टी ने टीम ही छुट्टी ना मांगा पान कहनी या मजो नारा लगाना पाकिस्तान जिंदाबाद। वो है जिंदाबाद, वो बंगाल वाला, बंगाल का बंदा है ये भाई। तुम ये जो नहीं पुतलियां लेकर आते थे सही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने बहुत सारे फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कुछ की हमने क्लिप्स बनाई हैं, कुछ की नहीं बनाई, तो आज़ादी इसके बिना नामुकम्मल है। ये है कश्मीर, आप सबको पता है, तो कश्मीर अब जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडेड हो गया है, और इमरान खान साहब ने अभी जो पाकिस्तान का मैप है उसको चेंज करके कश्मीर उसमें ऐड कर लिया है। तो बस यही दुआ है कि कश्मीर भी जल्द से जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बने, और वो 14 अगस्त को यही कहे पाकिस्तान मुबारक हो। गालियां तो और किसी को दे सकते हैं कि ये काम कर रहा है ये काम नहीं कर रहा है,
जब आप इनके पसीने देखेंगे कि किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं, तब हमें पता चलेगा कि क्या करते हैं। सर आपको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो, हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट कहते हैं तो आप सबके सामने प्रूफ करके दिखाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी देर से हमारे साथ जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान आज़ाद कराने में हमारी मदद की है। सर जो हम ये तोहफा देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखिए पाए जो रख जो ना, ये कश्मीर जो कश्मीर का पेड़ पाकिस्तान का तो है ना, हां बल्कि बाकी सोच लीजिए दोनों काम है ना। सही है सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी चीजें ली थी वो अभी तक सब हमने बांट लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ अहमद साहब का, इम्तियाज अहमद साहब का, अरशद अब्बास साहब का, जिन्होंने हमारा साथ दिया और जितना हमसे हो सका ये पैगाम पहुँचाया हमने पहुँचाया। और बस यही है कि अब हमें आगे लेकर जाना है पाकिस्तान को यूनाइटेड होकर, और ये नहीं कि घर में बैठ के सिर्फ स्टेटस लगाएं, बाहर निकले ताकि पता चले लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बस अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो आज का व्लॉग नहीं वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।